नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड में कई बाहरी लोगों ने भू कानून का उल्लंघन कर या नियमों को ताक पर रख जमीन खरीदी है। सरकार का इन पर शिकंजा कसने के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये लोग उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को जमीन बेच रहे हैं। ऐसे लोगों से जमीन खरीदने वालों को सरकार ने सावधान किया है। अपर सचिव राजस्व ने बताया कि राज्य में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन स्तर से लगातार कार्रवाई जारी है। इन कार्रवाई के बीच ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि राज्य से बाहर के लोग जिन्होंने पूर्व में भू कानून का उल्लंघन कर जमीनें खरीदी हैं, वे अब इन जमीनों को राज्य के लोगों को ही बेच रहे हैं। इसलिए स्थानीय जनता से अपील है कि ऐसे लोगों से किसी भी तरह से जमीन का सौदा न करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान न हो। अपर सचिव राजीव से ने स्पष्ट किया है कि अगर राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति ने भू कानून का उल्लंघन कर राज्य में जमीन खरीदी है, तो उन प्रकरण में भू कानून के स्पष्ट प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा बाद में जमीन राज्य के निवासियों को बेच भी दी जाती है, तो भी राज्य से बाहर का व्यक्ति भू कानून का उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई से बच नहीं सकता। ऐसे उल्लंघन पर कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी को भी जमीनों की रजिस्ट्री में इस बात पर सतर्कता बरतने को कहा कि भू कानून के उल्लंघन से जुड़े लोग उन्हीं जमीनों को राज्य के निवासियों को बेचकर नुकसान ना पहुंचा। फिलहाल हमारे इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।